Click on the subscribe button to never miss an update from Movie Mania channel. बाल गणेश, क्या हुआ? किसी असुर ने हमला किया? नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये टुनाटुन जाने आकाश में क्या देख रहा था? हम सब वही देखने का प्रयास कर रहे थे। तो कुछ दिखाई दिया? कुछ नहीं दिखाई दिया प्रभु। उल्टा इसकी चीख से हमारे कान के पर्दे अवश्य फट गए। फटेंगे नहीं तो क्या होंगे? ऐसे पीछे खड़े होकर कोई बच्चों को डराता है क्या? तुम बच्चे नहीं, छोटे मोटे दानव हो टुनाटुन। बाल गणेश, देखो ना ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हैं। नंदी, मूषक, ब्रिंगी, अगम बगम, यदि तुमने फिर से मेरे प्यारे टुनाटुन की हंसी उड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर तुम आकाश में देख क्या रहे थे टुनाटुन? बाल गणेश, हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, जो हमारे देवी देवता हैं। मैं सोच रहा था कि क्या इनकी भी पूजा होती है? होती है। सच्ची? बिल्कुल। तो जल्दी से बताओ ना बाल गणेश, उस पूजा को क्या कहते हैं? उस पूजा को नवग्रह कहते हैं। चलो आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। बैठ गए बाल गणेश, अब बताओ। सनातन पूजा में ब्रह्मांड के इन 9 ग्रहों का बहुत महत्व है। इन 9 ग्रहों का असर देव, असुर और मानव पर जन्म से पड़ना शुरू हो जाता है, जिसके आधार पर सबकी जन्म कुंडली बनती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कब क्या होने वाला है ये पता चलता है। बाल गणेश, ये नवग्रह कौन कौन से होते हैं और इनका पूजन क्यों होता है? हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह की 12 राशियां होती हैं और हर ग्रह की एक चाल होती है, जिसका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक राशि अपने चक्र अनुसार जब दूसरी राशि में प्रवेश करती है, तब अन्य राशियों पर इसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसी बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए नवग्रह पूजन किया जाता है। इस पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है बाल गणेश, और इसे करने की विधि क्या है? नवग्रह के पूजन के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि नवग्रह मंडल विधि। नवग्रह मंडल विधि के लिए लाल रंग का वस्त्र, लाल, पीला, हरा, सफेद, काला चावल, 9 खड़ी सुपारी, 9 आम के पत्ते, 9 जनेऊ, रक्षा सूत्र, रोली, सिंदूर, चंदन, अबीर, अक्षत, दही, हल्दी, गुड़, शहद, पुष्प, पुष्पमाला, बेलपत्र, दूर्वा, 9 ताजे फल, 9 सूखे फल, 9 पान के पत्ते, 9 लौंग, इलायची, सुगंध, घी, रुई, अगरबत्ती, 9 कपूर या धूप और दक्षिणा इत्यादि।
ये सामग्री की व्यवस्था करने के उपरांत व्यक्ति को नहा धोकर इसका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले नवग्रह की विधि, जिसे मंडल भी कहते हैं, जिसको लकड़ी की एक चौकी पर पीला वस्त्र रखकर बनाएं। उसके बाद पूजन के लिए एक कलश के सामने मिट्टी का एक बर्तन रखें। उल्टे हाथ में गंधक्षता लेकर नवग्रह का मंत्र उच्चारण करें। ओम सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्वरा राहु केतु नवग्रहेभ्यो नमः। ओम सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्वरा राहु केतु नमः। ओम नवग्रह इह गच्छा इह तिष्ठा मम पूजम ग्रहण। ओम नवग्रह इह गच्छा इह तिष्ठा मम पूजम ग्रहण। मंत्र पूर्ण होते ही गंधाक्षता को मिट्टी के बर्तन में छोड़ दें और पूजन आरंभ करें। सबसे पहले नवग्रह के अर्घ्यम समर्पयामि यानी पैर धुलाएं, फिर आचमन समर्पयामि यानी कुला करवाएं, स्नानम समर्पयामि उन्हें गंगाजल दूध घी और शहद से स्नान करवाएं, जनेयु समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यानी जनेयु और वस्त्र अर्पित करें, चंदन रोली अबीर समर्पयामि चंदन रोली और अबीर चढ़ाएं, पुष्पम समर्पयामि फूल बेलपत्र दुर्वा चढ़ाएं, धूप दीप समर्पयामि धूप और दीप से पूजन करें, नैवेद्यम समर्पयामि भोजन कराएं, द्रव्यम समर्पयामि दक्षिणा चढ़ाएं और 9 लौंग इलायची 9 पान के पत्ते 9 सुपारी समर्पयामि यानी नवग्रह को अर्पित करें। इसके बाद फिर से नवग्रह का आचमन होगा और अंत में हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। आवाहन ना जानामि विसर्जनम आवाहन ना जानामि विसर्जनम पूजाश्वम ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा पूजाश्वम ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। इस मंत्र का अर्थ क्या होता है बाल गणेश? इस मंत्र की सहायता से हम पूजा के समय हुई गलती की माफी मांगते हैं, जिससे नवग्रह क्रोधित नहीं होते। अब सब मिलकर एक साथ बोलेंगे नवग्रह की जय। Thank you.
For more movies, subscribe to Movie Mania channel.